डायटोमिक, उसको लिखवा दिया था कि लिखवा दिया था ना? अरे उसका यूज का किया था, उसने लिखवा तो दिए थे नाइट्रोजन का। हाँ हाँ सर, उसकी जगह पे हीलियम का उपयोग क्यों किया जा रहा है? हाँ हाँ ये मैं लिखवा दिया था ना, या फिर मैं बता दिया रहूंगा। आगे चलते सुनो, देखो बेटा, इसी के साथ साथ नाइट्रोजन से एक और क्वेश्चन आएगा, वो पॉसिबिलिटी है नाइट्रोजन के अनुप्रयोग, तो याद कर लेना ये चीजें। इसको हम लोग यूज करते हैं कहाँ पर? वायु आयन के टायरों में यूज करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या बेटा? हाँ, चिप्स के पैकेट में भी किया जाता है, तो ये उसका उपयोग याद करें। दो मैंने बता दिया आपको, एटलीस्ट तीन याद होने चाहिए, और तीन आप याद भी कर सकते हो। तो चलो आगे चलते हैं, और देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले थे कि नाइट्रोजन के कंपाउंड पढ़ रहे थे, इसमें नाइट्रोजन हमें N2 बता दिया था। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं अमोनिया, मतलब NH3। देखो क्या करने वाले हैं यहाँ पर, तो सिंपल सी मैटर ये है। तो नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड नंबर, जिसको हम लोग बोलेंगे अमोनिया, NH3। NH3 के पढ़ने से पहले सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो मैं केवल उस क्वेश्चन को डील करना पसंद करूंगा जो पेपर के अंदर आते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट को नहीं, मतलब ज़्यादा हम लोग अंदर तक नहीं जाएंगे, पर उतना करेंगे आपको इंटरेस्ट भी लगे। अभी तक इंटरेस्ट आ रहा था ना, मज़ा आ रहा था ना? इसका मतलब मैं पी ब्लॉक ठीक पढ़ाता हूँ? मैं बोला था कि मुझे ठीक नहीं लग रहा था, मैं अच्छा नहीं पढ़ा पाता हूँ, बोला था पहले। इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? बच्चों के सामने झूठ बोलता हूँ, पाप पड़ेगा ना तब? ठीक है बेटा, तो देखो अमोनिया का सबसे पहली बात तो इसका देखते हैं, इस अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा पाया जा रहा है, तो निकालते हैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करोगे तो नाइट्रोजन 15 ग्रुप से बिलोंग करता है, इसका मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? कितने बेटा? 5। हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है क्या? और अगर मोनोवेलेंट आएंगे तो यहाँ पर देख लो, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन्स पेयर काउंट कर लेता हूँ तो इतना इक्वल टू होता है बोन पेयर प्लस लोन पेयर। मुझे बता दो बोन पेयर कितना दिखाई दे रहा है? 1, 2, 3। और लोन पेयर कितने दिखाई दे रहे हैं? 1। इसका मतलब आ गया 4। और इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आने पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बन जाता है? sp3। ये तो बच्चा जानता होगा, लेकिन बेटा बताओ sp3 के साथ साथ एक लोन पेयर भी दिख रहा है क्या? और sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ 1 लोन पेयर कौन सा शेप देता है? पिरामिडल। तो बनाते हैं, जरा चेक करते हैं। देखो तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऐसे मैंने 3 हाइड्रोजन बना दिया बेटा, और यहाँ पर मैंने एक लोन पेयर बना दिया है। इसकी जियोमेट्री को तो आप 100% टेट्राहाइड्रल बोला करते थे, TD अब तो समझ जाओ क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेशन ही पढ़ चुके हैं, TD का मतलब टेट्राहाइड्रल। लेकिन अगर इसका मैं शेप बनाऊं तो आप 100% ऐसे लिखना पसंद करोगे, और इस शेप को हम लोग बोला करते हैं पिरामिडल या पिरामिडल, पिरामिड ये बोलते हैं। इतना तक तो प्रॉब्लम्स नहीं है, आगे चलते हैं। क्या चीज है बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नाइट्रोजन या NH3 के अंदर में एक लोन पेयर दे रहा है, तो ये क्या करता है? जब ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट इसलिए करता है क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर होता है, और इस लोन पेयर को ये किसी दूसरे एटम को डोनेट कर देता है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या लिया है NH3, इसको मैं रिएक्शन करा रहा हूँ बेटा BCl3 के साथ, या मैं BF3 के साथ लिखूंगा। अगर आप चेक करके देखेंगे तो इसके बैलेंस सेल में ना कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 13 ग्रुप से बेटा, मतलब बैलेंस कितने हो जाएंगे? 3। और 3 जुड़े हुए हैं, कितने हो गए? 6। इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और NH3 के पास एक लोन पेयर है, तो ये क्या करता है, अपना लोन पेयर को BF3 को दे देता है, ब्रोन ट्राइफ्लोराइड को दे देगा। और अगर ऐसा होगा तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से H, H, H। नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया है क्या, और लोन पेयर देकर जो बॉन्ड बनाता है उसको हम डेटेड बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहले बताया था, लेकिन इसको क्या दूसरा क्या नाम है बेटा, डेटेड बॉन्ड। तो ये कैसे बन जाएगा, बोरॉन के साथ आराम से। अगर आप चेक करोगे यहां पर क्या बेटा, F है, तो F और F। अब मुझे बताओ इस केमिकल रिएक्शन के दौरान में ये लोन पेयर को डोनेट किया है क्या, लोन पेयर डोनेट किया ना किसको, दिया है कि नहीं, डोनेट मतलब समझते हो ना, दान किया है। तो बताओ NH3 ने अपना लोन पेयर BF3 को दिया है, मतलब ये लोन पेयर डोनेट करता है, तो क्या मैं इसको लोन पेयर डोनर बोल सकता हूँ? क्या ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है?
तो मैं इसको एल पी एक्सेप्टर बोल सकता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, समझ भी रहे हो कि यही ना बोल दे रहा हो। अब मुझे बताओ बेटा, लोन पेयर जो डोनेट करते हैं उसको तो बच्चा बच्चा जानता होगा, लेविस बोइस बोलते हैं। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि NH3 का करेक्टर कैसे होता है, बेसिक करेक्टर का होता है। तो हम लोग क्या कहीं पस में एक पॉइंट बना कर लिख देता हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बेटा, कि NH3 बेसिक नेचर का होता है, हिंदी में बोलूँ तो क्षारीय नेचर का होता है। क्वेश्चंस भी आ चुका है, आता भी है कि क्या कारण है कि NH3 बेसिक नेचर शो करता है। तो रीजन क्या है कि NH3 के नाइट्रोजन में एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है जिसे ये आसानी से डोनेट करके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। दैट मींस नाइट्रोजन या NH3 लोन पेयर डोनर होते हैं, और लोन पेयर डोनर होते हैं उसको लेविस बेस बोला जाता है। दैट मींस इसकी करेक्टर कैसे होगी, बेसिक नेचर का। कोई प्रॉब्लम बेटा, मैं लिख दिया हूं NH3 बेसिक नेचर का होता है। तो मैं यहां पर पूरा लिख दिया सेंटेंस, बताओ ये बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं, नहीं तो फिर से बताऊंगा। क्लियर हो गया? जेरोक्स करने जरा, लिखवा भी देता हूं आपको। हाँ, क्या बोल रही क्वेश्चन बेटा, कि ये BF3 जो है वो कैसे छह इलेक्ट्रॉन से ना, सिंपल से बताओ। अब मैं कहां बनाऊं, ये मेरे पास जगह तो है बेटा। बताओ देखो, BF3 में ना बोरॉन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, बता दो जरा। 13 ना, इसका मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1, 2, 3 लिख दूं। फ्लोरीन मोनोवेलेंट है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन देगा। ये देखो, अब बताओ बेटा, बोरॉन के 3 और फ्लोरीन के 3 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो BF3 के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वही तो मैं बोल रहा हूं, बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि पिछले क्लास आपने ना लॉकडाउन की वजह से या ऑनलाइन क्लास की वजह से ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि हम लोग क्लास लगी नहीं थी इस वजह से। ठीक है, तो अब तो क्लियर हो गया ना। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा, क्या क्वेश्चन लेटा है कि NH3 बेसिक नेचर का क्यों होता है, समझ लिख लोगे, अपने से लिखवाना पड़ेगा, लिख लोगे ना। चलो नेक्स्ट 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 आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं अमोनिया की प्रिपरेशन पर। तो लिखो अमोनिया की बनाने की विधि, उसमें केवल एक डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हैबर प्रोसेस करके। तो लिखो अमोनिया बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमोनिया। तो मैं लिख देता हूं प्रिपरेशन मेथड ऑफ NH3। बेटा देखो, इसका पहला मेथड हम देख लेते हैं, उसके बाद हम हैबर प्रोसेस पढ़ेंगे, क्योंकि वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो चलो क्या करो बेटा, यहां पर मैं लिख रहा हूं अमोनियम क्लोराइड, ध्यान देना, इसका नाम भी लिख दे रहा हूं मैं, क्या बेटा, अमोनियम, अमोनिया नहीं बोलना, अमोनियम क्लोराइड। इस अमोनियम क्लोराइड को आपको क्या करना है, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के साथ रिएक्शन करा देना है। आप जैसे इसको रिएक्शन कराएंगे बेटा, तो ये 100% क्या बन जाएगा, NH3 और का बाहर निकलेगा भाई, एक मिनट, यहाँ पर H2O बाहर निकलेगा, NH3 हो गया, यहाँ पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें क्या। अच्छा, ये ले लें बेटा, अगर आप ऐसे करोगे तो देखो क्या बन जाएगा, एक मिनट जरा इक्वेशन देख लेते हैं, गड़बड़ मत हो जाए भाई, अमोनिया। हाँ, यहाँ पर लेना बेटा NH4OH, हमने क्या लिया, यहाँ पर NH4OH रिएक्शन कराओगे तो बनेगा NH3, और ये कैसे दिया है भाई, मैंने गड़बड़ कर दिया है, बुक्स के अंदर मिस्टेक होगा, क्योंकि NaCl बन ही नहीं सकता है, और अगर NaCl बनेगा तो गड़बड़ होगा। एक काम करते हैं, ऐसे मत करो, इसको यहाँ पर लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कराएंगे तो NH3 बन जाएगा। दूसरा, यहाँ पर NaCl बाहर, देखो ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, यहाँ एक H बचा हुआ है क्या, यहाँ एक H बचा हुआ है, दोनों को आप रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, ये है मेथड बेटा, कि जब अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनते हैं, अमोनिया। लेकिन दूसरा मेथड सुन लो, ये मेथड तो आपको याद रखने हैं, लेकिन दूसरा मेथड आपको पढ़ाऊंगा जिसको हम लोग बोलते हैं हैबर प्रोसेस। क्या बोलते हैं भाई, हैबर प्रक्रम, हैबर का प्रक्रम कैसे करते हैं, सिंपल सी मैटर है, आपने कभी कभी देखा होगा N2 और यहाँ पर 3H2
और यहाँ पर आप क्या कर लेना, 2NH3 बन जाता है। लेकिन आप ध्यान देना बेटा कि ये भी गैसेस स्टेट में है, ये भी गैसेस स्टेट में है और ये भी गैसेस स्टेट में है। अगर ऐसा है तो एक बात को जरूर ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये जो प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम में दिखाई दे रहा है ना, और ये जो प्रिंसिपल काम करता है उस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं ली चटेलियर प्रिंसिपल। तो मैं लिख दे रहा हूं चटेलियर, ली चार्ली भी बहुत लोग बोलते हैं पर मैं चटेलियर बोल रहा हूं। हाँ, ली सातेलिए बोलते हैं, इस सिद्धांत पर काम करता है। देखो इस सिद्धांत का थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आइडिया देता हूं, 11 क्लास के अंदर का सिलेबस है, हालांकि पढ़े नहीं है तो पता होगा। देख बेटा ये बोलता है कि देखो जितना ज्यादा, अगर मैं इधर ज्यादा प्रेशर बढ़ाऊंगा तो N2 और H2 जो अलग अलग हैं वो ज्यादा पास आएंगे, और पास ज्यादा आएंगे तो का ज्यादा बनेगा, मतलब इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर। लेकिन अगर मैं प्रेशर को कम कर दूंगा तो ये गैसेस मॉलिक्यूल है, एक दूसरे से दूर जाना पसंद करेंगे, तो मतलब ये क्या बन जाएंगे, N2 और H2। मतलब अगर मैं प्रेशर कम करता हूं तो क्या बनेगा बेटा, ये अगेन N2 और H2 बन जाएगा क्या, कब के केसेस में, तो बताओ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन की ओर। इसका मतलब अगर आप NH3 ज्यादा अमाउंट में बनाना चाहते हो तो 100% आपको प्रेशर ज्यादा रखना पड़ेगा, प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतनी अमाउंट में NH3 बनेगा। कैसे, अभी मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, पहले कॉपी करो जरा, अभी मैं समझा रहा हूं क्या, कभी कभी तो बायोलॉजी पढ़ाना पड़ता है तो रफ कर देता हूं मेरे बच्चों, मतलब कुछ कुछ टर्म्स यहाँ पास आते हैं तो बायोलॉजी बता देता हूँ। देखो अमोनिया प्रोसेस को हम समझते हैं बेटा, हैबर प्रोसेस को, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, अगर उसको आप समझ गए, पेपर्स में आया भी है ना ये, तो ध्यान रखना भाई। तो यहाँ पास मैं हेडिंग डाल लेता हूँ बेटा, क्या, हैबर्स प्रोसेस। देखो क्या करते हैं, इसमें दो अलग अलग नली रखते हैं बेटा, नली मतलब कि दो अलग अलग रास्ता होता है, इन दोनों रास्तों से हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ से N2 ले रहा हूँ और H2, दोनों के दोनों गैस है भाई, क्या है बेटा, इन दोनों को अलग अलग नली के थ्रू मैं एक दूसरे को पास करवा रहा हूँ, इंटर करवा रहा हूँ, अंदर करवा रहा हूँ भाई। यहाँ पास करने के बाद हम लोग इसको कहाँ पास ले जाते हैं, इसको हम लोग एक चैम्बर के अंदर ले जाते हैं भाई। देखो कौन सा चैम्बर है, और उस चैम्बर को हम लोग नाम दे देते हैं, क्या बोलते हैं, कंप्रेसर चैम्बर, क्या बेटा, कंप्रेसर का मतलब होता है जो N2 और H2 दिया अलग अलग दिया उसको कंप्रेस कर देते हैं, संपीड्य कर देते हैं, ठीक है, पास पास ले आते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं इसको, यहां पर इस बॉक्स को या इस चैम्बर को मैं बोल रहा हूं कंप्रेसर, क्या बोल रहा हूं बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कंप्रेसर है तो क्या होगा, जो N2 H2 अलग अलग भेजे से ना उसको हम लोग क्या करिए है, पास ले आए हैं। तो अब N2 और H2 दोनों आपस में रिएक्शन करने के लिए तैयार हो चुके हैं, अभी हो नहीं रहा है, हो चुके हैं, ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं, कंप्रेसर, कितना प्रेशर रखा जाता है, तो ध्यान रखना मैं बोला हूं आपको हाई प्रेशर, कितना, सुन लो पहले, कॉपी करना भाई, 20 मेगा पास्कल, कितना बेटा, मेगा पास्कल, मिनियल भी बोल देते हैं बहुत हो, लेकिन मैं मेगा बोल रहा हूं, ओके, अच्छा, इतना प्रेशर होने, अगर आपको याद ना होवे तो आप सिंपल लिख लेना हाई प्रेशर, क्या बेटा, हाँ, अरे मेगा टेरा बीटा होता है ना वो सब है, चलो आगे चलते बेटा। यहां से करने के बाद सुन लो, अभी तो काम बचा हुआ है, इसको हम लोग कहां ले जाते हैं बेटा, इसको हम लोग ले जाते हैं कैटेलिटिक चैम्बर के अंदर में, सुन लो पहले इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से बेटा, इसको थोड़ा और ऐसे बनाते हैं तो देखिएगा कैसे मैं इस तरह से बना रहा हूँ, और यहाँ पर एक और चैम्बर होता है, उस चैम्बर को मैं बोलता हूँ कैटेलिटिक चैम्बर, क्या चीज, उत्प्रेरक कक्ष, क्या बोलेंगे बेटा, उत्प्रेरक, मैं इंग्लिश में इसको लिख दे रहा हूँ कैटेलाइटिक चैम्बर, हिंदी में भी लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को नाम याद बता देता हूँ, उत्प्रेरण कक्ष बोलेंगे।
और इस उत्प्रेरण कक्ष के अंदर में कौन कौन सा रहते तो याद रखिएगा, आइसो ऑक्साइड प्लस A2 एल्यूमिनियम और ट्राइऑक्साइड और यहाँ पर K2। ये क्या है बेटा, ये एक कैटलिस्ट है, उत्प्रेरण है। जो N2 और H2 बने हुए ना, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन अमोनिया बनने की प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। ये क्या काम करते हैं भाई, कैटलिटिक की क्या काम करते हैं। और तो लोग मैं कैटलिस्ट पढ़ा चुका हूँ पहले, उत्प्रेरण, ठीक है बेटा। ऐसा करने के बाद ये जैसे यहाँ पर होता है तो ये जो N2 और H2 था ये NH3 बन जाता है। मतलब NH3 तो एक्चुअल में यहीं पर बन जा रहते हैं, कहाँ पर बेटा, जो N2 था और यहाँ पर 3H2 था, इसको हमने कहाँ बना दिया, NH3। उस NH3 को मैं कहाँ लेके चला गया, कैटलाइटिक चैम्बर के अंदर में, जिसके अंदर में कौन कौन सा आपको कैटलिस्ट दिखाई दे रहे हैं, ये कैटलिस्ट क्या करते हैं, इसकी बनने की प्रोसेस को और बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से अमोनिया ज़्यादा अमाउंट में बन जाता है। उसको हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर में जाके उसको कलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कर ले रहा हूँ भाई, ये कुछ इस तरह से एक नया कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर में मैं अमोनिया को यहाँ पर से कलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे एरो भी बना देता हूँ, कुछ इस तरह से एरो बना दिया, यहाँ पस गए। और ये तो जैसे इसको हम हाई प्रेशर में रखते हैं ना बेटा, तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म में, तो जो हम यहाँ पस NH3 कलेक्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ पस लिख भी दे रहा हूँ, NH3 जो कलेक्ट कर रहा हूँ वो लिक्विड NH3 है, लिक्विड अमोनिया है। अब ध्यान से देखना, चूंकि यहाँ पस प्रेशर ज़्यादा था इसलिए N2H2 मतलब अमोनिया ज़्यादा बनेगा, लेकिन यहाँ पस क्या है, प्रेशर कम हो जाता है। और प्रेशर जैसे कम होगा, तो मैं बताया था कि NH3 अगेन किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, N2 और H2 में। मतलब कि यहाँ से ये जो मैं दिखाई दे रहा हूँ बेटा, यहाँ से फिर से N2 प्लस H2 यहाँ से उड़ना शुरू कर देते हैं, वेपराइज्ड होना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी अमाउंट में लिक्विड NH3 लिक्विड फॉर्म में रह जाता है, लेकिन उसके बाद ये उड़ना शुरू हो जाता है। मतलब ज़्यादा अमाउंट में, देखो थोड़ा बहुत तो बन गया होगा, थोड़ा जो N2H2 जो NH3 बना होता है किस फॉर्म में बाहर निकलना शुरू हो गया है। अच्छा, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, अगेन यहाँ पर ले जाते हैं एक पंप हाउस में। पंप हाउस समझते हो क्या होता है, नहीं समझते ना। ये हो गया बेटा, ये पंप हाउस रहता है, ये ऐसे लिख लो, या मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, और यहाँ से पंप हाउस को अगेन पंप हाउस से पंप करके, पंप हाउस का मतलब मैं बता रहा हूँ क्या होता है, जो ये N2 और H2 गैस बन के उड़ रहे हैं उसको इस पंप के द्वारा पहले खींच लिया जाता है अपने साइड, जैसे पानी खींचते हैं कुएं से, उसके बाद पानी फेंक देते हैं ना बाहर, वैसे काम करता है। पहले N2H2 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, और खींचने के बाद वो कहाँ भेज देगा, फिर से कैटलाइटिक चैम्बर में भेज देगा। तो देखो, पहले मान लो हमने N2 और H2 कितने अमाउंट दिया, मान लो इसका 100 दिए और H2 को भी कितना दे दिए बेटा, 100। तो बनना कितना चाहिए था, 200, इतना बनना चाहिए था ना, या 100 बनना चाहिए, तो 100 तो पूरा बना ही नहीं। 100 अगर नहीं बना होगा तो कुछ का हो गया, उड़ गए। मान बोलता हूँ कि 100 बनना चाहिए था, इसमें से केवल 50% किस में कन्वर्ट हुए हैं, लिक्विड फॉर्म में, बाकी 50% क्या बन गए, गैस। उसको फिर हम लोग पंप के द्वारा कहाँ लेके आएंगे, कैटलाइटिक चैम्बर में, जिसकी वजह से जो N2 और H2 अलग अलग थे फिर क्या बन जाएंगे बेटा, NH3 बन जाएंगे। फिर उसको कहाँ कलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर। तो जब पहले 50% था, फिर बाद में 70% हो जाएगा, फिर 80%, फिर 90%, मतलब ये प्रोसेस लगातार चलते रहेगा। ये डायग्राम को समझ में आ गया, यही आपको बनाना था भाई, कॉपी कर लो, कोई डाउट हो तो बता दो। चलो देखो, इतना तक अपने को करना था, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, HNO3 वेस्ट वर्ल्ड मेथड। लेकिन मैंने अभी तक देखा है वो 2018 के बाद से पेपर नहीं पूछा है, शायद सिलेबस से निकाल तो नहीं दिया गया है। HNO3 वेस्ट वर्ल्ड मेथड को एक बार चेक करके देखना, मैंने देखा शायद अभी तक नहीं आ रहा है। एक काम कर लो, सुन लो अभी ना उसको रहन देते हैं, अगर होगा तो मैं लास्ट में पढ़ा दूंगा हम लोग। अब देखो, नाइट्रोजन का जितना से कंपाउंड मुझे पढ़ाना था मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब इसी से दूसरा आता, नाइट्रोजन के नीचे क्या था बेटा, फास्फोरस। फास्फोरस के कुछ क्वेश्चंस और भी आते हैं, तो मैं इसको पहले रफ करता हूं और नेक्स्ट लिखते हैं फास्फोरस। चलो हेडिंग डालो, और मैं ये नहीं बताने वाला एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम पहले ही सीख चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको वहां से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो बताएंगे बेटा। तो चलो चेक करते हैं, पहला भाई
ठीक है बेटा, देखो फास्फोरस का मैं सबसे पहली बात पी लिख रहा हूँ, और फास्फोरस के जो एलोट्रोप है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अपर रूप, क्या बोलते हैं बेटा, अपरूप या अपर रूप जो भी बोलते होंगे, ये दो टाइप के होते हैं बेटा। कौन नहीं, इसके एलोट्रोप्स बहुत है, लेकिन हमको केवल याद रखना है दो ही चीजें, ठीक है, अपर रूप। हाँ वही 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 सेम है, एलोट्रोपी बोल रही है, हाँ सेम होते हैं, लेकिन समझ लो पहले क्या बताने वाला हूं। एलोट्रोप हम बेटा के लिए पांच ठो, कौन कौन से, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस एटसेट्रा, बहुत सारे, पर हमको केवल याद कौन कौन सा रखना है, आपको केवल याद रखना है व्हाइट फास्फोरस और दूसरा रेड फास्फोरस, ये आपको याद रखना है। देखो व्हाइट फास्फोरस को एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, दैट इज एलो फास्फोरस, और रेड फास्फोरस को दूसरा नहीं बोला जाता। देखो क्या करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस पूछता है बेटा। तो देखो व्हाइट फास्फोरस इसलिए बोलते हैं क्योंकि व्हाइट फास्फोरस व्हाइट कलर का दिखता है, तो क्या लिख सकता हूँ, व्हाइट इन कलर लिख सकता हूँ क्या, ये देखने में कैसे लगते हैं, कलर, और व्हाइट कलर के लगते हैं, और ये कैसे दिखाई देंगे बेटा, रेड। तो पहली बात तो ये कलर का डिफरेंस हो गया। दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि व्हाइट फास्फोरस को, व्हाइट फास्फोरस क्या किया जाता है मैं बता रहा हूँ, हाँ व्हाइट फास्फोरस की खासियत ये है कि अगर मैं व्हाइट फास्फोरस को हीट कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड फास्फोरस में। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको अगर मैं इसको हीट कर दूं, ध्यान रखना ये हाई टेम्परेचर होना चाहिए भाई, कम नहीं, हाई टेम्परेचर उसको हीट करोगे तो ये जो व्हाइट फास्फोरस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड फास्फोरस के अंदर में। अब इसी तरह से लेकिन रेड फास्फोरस को अगर आप क्या करा दो बेटा, वेपराइज्ड करा दो, वेपराइज्ड का मतलब वाष्पीकृत करा दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट फास्फोरस में। तीसरी बात ध्यान से देख लो क्या कि व्हाइट फास्फोरस होते क्या हैं, एक्चुअल में व्हाइट फास्फोरस ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होते हैं। एक मिनट, मैं कभी गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, एक बार मैं देखना पसंद करूंगा, नहीं मैं 100% सही बोल रहा हूँ बेटा, क्या बोल रहा हूँ, व्हाइट फास्फोरस H2O में ये क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल, मतलब अविलय होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यहाँ पस में लिख रहा हूँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक कार्बन डाइसल्फाइड, तो ब्रैकेट के अंदर लिख दे रहा हूँ CH2 में, ये आसानी से सॉल्यूबल हो जाते हैं बेटा। साथ ही साथ बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ये सब के सब में क्या हो जाएंगे, सॉल्यूबल, घुल जाएंगे। लेकिन लेकिन सुन लो, ये जो रेड फास्फोरस है, ये रेड फास्फोरस वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं, नहीं वाटर में तो सॉल्यूबल, सॉरी एक मिनट गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, एक मिनट, हाँ वाटर में इनसॉल्यूबल, तो ये वाटर में तो सॉल्यूबल होगा ही होगा, साथ ही साथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सॉल्यूबल हो जाएंगे, ठीक है बेटा। ये किस में, वाटर में क्या होता है, इनसॉल्यूबल, लेकिन वाटर में वो सॉल्यूबल होगा, साथ ही साथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब कार्बन डाइसल्फाइड में भी सॉल्यूबल होगा, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। और चौथा, चार ही नंबर के पूछे जाते हैं, मैं चार याद भी करवा देता हूं कि ये पॉइजनस नेचर के होते हैं, क्या बोलते हैं, जहरीले, हाँ तो ये जहरीला होते हैं, और ये कम जहरीला होते हैं, या नॉन पॉइजनस आप बोल सकते हो, ये हाईली जहरीला होते हैं भाई, बहुत ज्यादा जहरीला होते हैं, मतलब ये कम, या फिर आप बोल सकते हो आज हिंदी में क्या बोलेंगे, जहरीला, जहरीला नहीं होते बोल सकते ना, तो ये बसीला नहीं बेटा वो, तो नहीं तुम खा दोगे तो, जहरीला, जहरीला क्या होते बेटा, नहीं होते हैं। तो चार आपको मैंने याद करवा दिया है, साथ ही साथ फास्फोरस एक और क्वेश्चन पूछता है ऑक्सी एसिड का, तो मैं बताता हूँ, पहले कॉपी कर लो, देखो शॉर्ट कट मैंने समझा दिया है भाई, आई नो जस्ट किडिंग, रफ करो बेटा, लिखो ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, हिंदी में बोलूं तो फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों के नाम एवं संरचना सूत्र बताइए, क्वेश्चन आता है भाई, तो लिखो बेटा, क्या लिखेंगे, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस,
इसका क्या क्या चीज़ पढ़ना है मैं बता देता हूँ। पहली बात, इसका हम लोग को स्ट्रक्चर पढ़ना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना है, मैं एक ही बताऊँगा, और साथ ही साथ इसका फॉर्मूला भी पढ़ना है। तो मैं ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन पूछता है भाई संरचना एवं सूत्र बताइए, ऐसे करके बहुत सिंपल मेथड, एकदम ईजी। पढ़ा दें? देखो बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, वाव फास्फोरस एसिड, ऐसे देखो मैं पहले संरचना बताऊंगा उसके बाद इसका फॉर्मूला बताऊं, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर याद है भाई, उसकी फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला हम बाद में बना लेंगे। देखो बेटा, यहाँ पर OH करो, H करो, और यहाँ पर OH करो, ठीक है बेटा? बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई? पी तो एक तो है, ऑक्सीजन कितने तो है? एक मिनट, कितने तो? चार तो ना, तो लिख लो फॉर्मूला, पी ऑक्सीजन 1, 2, 3, तो क्या हो जाएगा बेटा? 3H कितने हैं? 1, 2, 3, तो H3PO3 बोल सकता हूँ क्या? इसको हम लोग बोलते हैं बेटा फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड बेटी, ठीक है। अब देखो सो क्या करना है, अब आप गुस्साओ थोड़ा सा, और गुस्साने के बाद यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दो एक ठो, क्या करना है बेटा? आपने गुस्सा को ऑक्सीजन निकाले हो तो ये तो गुस्सा ही जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपो। क्या बोल देंगे बेटा? बोल डालो। तो यहाँ पी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पस ओ एच, यहाँ पस एच, यहाँ का वो का आपने निकाल दिया, तो क्या बन गया? क्या बन गया बेटा? क्या बन गया? फॉर्मूला बताओ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने टो है? 3। फास्फोरस 1। ऑक्सीजन कितना? नाम का लिखूंगा हाइपो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एसिड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, स्टाइल मारते हैं, देखो क्या करना है बेटा। यहाँ से आपको H2O निकालना है, कैसे समझते हैं? पहले आप दो ठो बनाओ, आईना बना लो, आईना आईना और आईना बना लो, ऐसे देखो भाई, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ OH, और यहाँ पस OH और H। आप क्या करो, यहाँ से H2O बना के निकाल दो। क्या करें बेटा? अगर आप H2O निकाल देंगे तो यहाँ ऑक्सीजन बचेगा क्या? अच्छा, तो इसको मैं ऐसे कर दूँ, यहाँ पस O और यहाँ पस O। बेटा अब देखो, दो पब्लिक से ऐसे करके खड़े हैं, ठीक है? तो दो ठो पैर है ना, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? पायरो फॉस्फोरस, फॉस कैसे लिखें? अच्छा फॉस्फोरस एसिड याद रहेगा। अब और आपको और कुछ करना है, कैसे अभी देखते हैं, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है, तो जरा लिख लो जरा बेटा। इसमें क्या करना है आपको? बहुत कुछ करना है भाई, चलो लिख लो, लिख लो एक बार, कॉपी कर लेते हैं। हाँ ये कॉपी कर लो, नीचे मेरे को बनाने की जगह है, वैसे यही पास बना सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, बना दूँ? यस सर। देखो बेटा इसमें क्या करना है, दो ठो ऑक्सीजन जोड़ देना है, दो ठो ऑक्सीजन, वो तो बल्ले बल्ले हो जाएगा इसका, क्योंकि आप निकाले तो क्या हो गया था, गुस्सा गया था, अब जोड़ दोगे तो खुश हो जाएगा। देखो खुश करते हैं इसको, तो आईना बनावाओ, आईना देखो, आईना ओ और आईना, आईना आईना और ये ओ, यहाँ पास एच तो पहले से है ओ एच, यहाँ पास एच है और यहाँ पास एच। बेटा आपने कितने ऑक्सीजन जोड़ा है? दो ठो। यहाँ ओ एच लगा दूँ? तो लगा दूँ ओ एच, यहाँ पास क्या बन जाएगा? अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? पायरोफॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये फॉस्फोरस था ना, अब ये क्या बन जाएगा? पायरोफॉस्फोरिक। तो नाम लिख दूँ, बाकी तो पैर दौड़ दिख ही रहा होगा, पायरो यहां पर लिखेंगे फॉस्फोरिक एसिड, घर घर की कहानी है। और इसमें से आप निकालो जरा एक ऑक्सीजन, फिर गुस्सा आ जाएगा, तो क्या नाम बन जाएगा? हाइपो। अभी करके दिखाते हैं जरा, देखना बहुत अच्छी बात है। क्या करना है मेरे बच्चों? यहाँ ठीक, एक ऑक्सीजन निकाल दो भाई, कहीं से भी एक ऑक्सीजन निकालने की, दो ऑक्सीजन निकालने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि दो ऑक्सीजन निकालने हैं। कितने बेटा? कितना निकाल दें भाई? दो ऑक्सीजन। तो बताओ यहाँ से ये निकाल दो, अच्छा वही तो बन जाएगी, एक ऑक्सीजन निकालने हैं भाई। अच्छा अच्छा हाँ, क्या निकालना है? एक ऑक्सीजन, कौन सा निकाल रहे हो बता बेटा? ये वाली,
किसको निकाल रहा हूं मैं, ये वाली, तो इसके इसके बीच बॉन्ड बन जाएगा, क्या क्या बन जाएगा, बन जाए, ऑक्सीजन बाहर निकाल दो ना आप, तो बॉन्ड इसके इसके बंद बन जाएगा ना, तो चेक करो ऐसे बन जाएगा पी डबल बोन ओ, यहाँ पस ओ एच है, यहाँ पस ओ एच ऐसे है डबल बोन, और ये ओ एच और यहाँ पस ओ एच। अब बेटा बताओ इसके पास तो दो फास्फोरस बॉन्ड बन गए, तो ये तो और हाई पर हो जाए क्योंकि ऑक्सीजन आपने निकाला है, तो क्या नाम लिख दी इसको, हाँ यहाँ पस लिखेंगे हाइपो और फिर लिखेंगे फास्फोरिक ऐसे। मेरे ख्याल से अब आपको याद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा भाई। चलो मैं फॉर्मूला बना देता हूँ, फॉर्मूला लिखा नहीं हो तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों बता दो, बना लोगे अपने से ना, फास्फोरस दो टू है क्या, तो क्या बन जाएगा बेटा पी टू। ओके ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ओ 5 बन जाएगा, हाइड्रोजन कितने हैं भाई 1 2 3 4, एच फोर हो जाएगा क्या, देख लेना गलत होगा तो अलग बात है, इसका तो बनाए मेरे ख्याल से बना लोगे सारे के सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बेटा। ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड की कहानी, बस इतना ही करते हैं, बाकी मैं कल पढ़ाऊंगा, और जिसको भी डाउट लगे वो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना भाई।